हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीबियन ई लर्निंग क्लास। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन वन, अवर फैमिली, टॉपिक इज बुक एक्सरसाइज। आज हम अपने लेसन वन की, ईवीएस के लेसन वन की बुक एक्सरसाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ए, टिक द करेक्ट वन। यहाँ आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से हमें जो राइट वन है उस पर टिक लगाना है। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनमें एक आंसर राइट होता है। तो फर्स्ट वन इज़, विच ऑफ दीज आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, ऑफ अ जॉइंट फैमिली। ये चारों आपके जो ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन राइट है जो कि जॉइंट फैमिली को दर्शाता है। तो फर्स्ट, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। ए है आपका पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, बी आपका कजन्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, सी आपका अंकल्स एंड आंट्स, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आपकी जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें पेरेंट्स होते हैं आपके, मदर एंड फादर होते हैं, सिबलिंग्स आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, कजन्स आपके चाचा जी और ताऊ जी के बच्चे होते हैं, एंड ग्रैंड पेरेंट्स आपके दादाजी और दादी जी होते हैं, अंकल्स एंड आंट्स आपके चाचा जी या ताऊ जी होते हैं, या फिर चाची जी या ताई जी होती हैं। ये क्या हो गया, अंकल एंड आंट्स। तो ये सब आपकी जॉइंट फैमिली में होते हैं, इनमें से कोई एक होता है, ये सारे ही होते हैं हमारी जॉइंट फैमिली में। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी, ऑल ऑफ दीज। सेकंड, माय पैटर्नल ग्रैंड मदर इज़ माय, पैटर्नल ग्रैंड मदर कौन होती हैं, आपके पापा जी की मम्मी। तो हम क्या बोलेंगे, आपकी फादर्स की मॉम, मदर। तो फर्स्ट इज़ रॉन्ग, मदर्स मदर नॉट अ राइट आंसर। बी आंट, नो। सी कजिन्स, नो। डी है आपका फादर्स मदर। तो इसका आंसर क्या है आपका, फादर्स मदर। थर्ड, थ्री चिल्ड्रन बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स आर कॉल्ड, तीन बच्चे एक ही पेरेंट से हुए, सेम पेरेंट से हुए, तो उनको हम क्या बोलते हैं। ए सिबलिंग, सिबलिंग नहीं बोलेंगे। बी ट्रिपलेट्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। सी ट्विंस नहीं बोलते। डी कजिन्स नहीं बोलते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फोर्थ, फैमिली मेंबर्स लुक सिमिलर बिकॉज ऑफ, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आप ही की तरह दिखते हैं या फिर आप अपने फैमिली की तरह दिखते हो, क्यों। ए हैबिट्स, नो। बी वैल्यूज़, नो। सी फिजिकल फीचर्स, आपके जो फिजिकल फीचर्स होते हैं उनके कारण। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी फिजिकल फीचर्स। डी मैनर्स, नो। तो आपका राइट आंसर है फोर्थ का, फिजिकल फीचर्स। बी फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद इन अ फैमिली इज नोन एज, आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हो, कैसे, फैमिली मेंबर्स, आप सभी लोग एक साथ रहते हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हो, कनेक्ट हो, रिलेट करते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फैमिली मेंबर्स। मदर्स पेरेंट्स, आपकी जो मदर हैं उनके पापा मम्मी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। आपके नाना जी और नानी जी को क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। थर्ड, वी यूज़ द टर्म डैश फॉर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने ब्रदर भाई बहन के लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं। मैंने आपको समझाया था हम अपने भाई बहनों को सिबलिंग्स भी बोल सकते हैं। फोर्थ, फीचर्स विच आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड डैश हेरिडिटरी फीचर्स, जो फीचर्स होते हैं वो आपके पेरेंट्स से आप में आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। आपके जो गुण होते हैं, आपकी जो खामियां होती हैं वो आपके पेरेंट्स से आप में आती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स। फिफ्थ, फैमिली डैश टीचर्स अबाउट द वैल्यूज ऑफ द फैमिली, फैमिली, तो इसका आंसर क्या है, गेट टुगेदर्स, फैमिली गेट टुगेदर्स। जब हमारे घर पे कोई भी फंक्शन होता है तो हमारे रिलेटिव्स आते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें बहुत सारे मैनर्स और वैल्यूज़ सीखने को मिलते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स आपका कंप्लीट हो गया। सी राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, ये आपके राइट एंड रॉन्ग आंसर्स हैं। आपको राइट आंसर पर ट्रू लगाना है, रॉन्ग आंसर पर फॉल्स लगाना है। फर्स्ट, फैमिली में भी बिग और स्मॉल, फैमिली आपकी जो होती है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, तो इसका क्या है, ट्रू। वी शुड नॉट रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की, हमें अपने परिवार की, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स की, या फिर हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट
इज्जत नहीं करनी चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग, हमें करनी चाहिए। थर्ड, वी मीट आर रिलेटिव्स इन फैमिली गेट टुगेदर्स, हम अपने रिश्तेदारों से कब मिलते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स में, फैमिली के कोई भी फंक्शन होता है उसमें, तो ये है राइट आंसर। फोर्थ, आर मदर एंड फादर बिलोंग टू द सेम जनरेशन, हमारे जो मदर होती हैं और फादर होते हैं वो एक ही जनरेशन से होते हैं, एक ही जनरेशन से बिलोंग करते हैं, हाँ जी दिस इज ट्रू। फिफ्थ, वन पेरेंट फैमिली इज़ नोन एज जॉइंट फैमिली, वन पेरेंट फैमिली मतलब उसमें ओनली या मदर होंगी या ओनली फादर होंगे, तो उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं ना कि जॉइंट फैमिली, तो दिस इज़ फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टिक द करेक्ट हो गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो चुके हैं, ट्रू फॉल्स हो चुके हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स को मैंने नोट कर लिया है, आप सभी ये अपनी फ्रेंड नोटबुक में नोटेड डाउन करेंगे। तो आपका फर्स्ट लेसन वन अवर फैमिली के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ अ फैमिली, इसका आंसर है ए फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर, फैमिली एक ग्रुप होता है आपके परिवार के सदस्यों का जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर एंड नेम देम, हमें क्या पूछा, नेम देम, फैमिलीज कितनी प्रकार की होती हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो आपकी मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज, थ्री टाइप्स ऑफ फैमिलीज होती हैं हमारे की, फर्स्ट वन इज़ जॉइंट फैमिली, सेकेंड वन इज़ न्यूक्लियर फैमिली, थर्ड इज़ सिंगल पेरेंट फैमिली। फर्स्ट आपकी जॉइंट फैमिली होती है बड़ा परिवार, न्यूक्लियर फैमिली आपका छोटा परिवार होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली ओनली मदर या ओनली फादर, सिंगल पेरेंट फैमिली। ओके, थर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेटिव्स, रिलेटिव्स कौन होते हैं, पीपल हु आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद इन अ फैमिली आर नोन एज रिलेटिव्स, जो लोग, जो सदस्य आपके परिवार से जुड़े हुए होते हैं, कोई फंक्शन होता है आपके घर आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव्स। ओके, फोर्थ वन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स और मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में आपको डिफरेंस बताना है। तो मैंने फर्स्ट आपका लिखा है पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, सेकंड लिखा है आपका मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। तो पैटर्नल क्या होते हैं, आर फादर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो पापा जी के पापा मम्मी होते हैं मतलब हमारे दादाजी और दादी जी, उनको हम बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, एंड सेकेंड, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं, आर मदर्स पेरेंट्स आर कॉल्ड अवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, हमारी जो मम्मी होती हैं उनके पापा मम्मी होते हैं मतलब हमारे नाना जी और नानी जी, उनको हम क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, व्हाट इज़ अ जनरेशन, जनरेशन क्या होती है, देखिए आंसर इज ऑल द पीपल इन द फैमिली हु वर बॉर्न अराउंड द सेम टाइम फॉर्म अ जनरेशन, जो भी आपकी फैमिली में फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो एक समय पे अपनी अपनी पीढ़ी में पैदा होते हैं, अपनी अपनी जनरेशन में पैदा होते हैं, जैसे कि आपके दादाजी और दादी जी फर्स्ट जनरेशन में पैदा हुए, सेकंड जनरेशन में आपके पापा मम्मी पैदा हुए और थर्ड जनरेशन में आप पैदा हुए हो, तो ये क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, तो जनरेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पीढ़ी। तो जनरेशन की ये आपकी डेफिनेशन है और ये इसका राइट आंसर है, तो समझ आया आपको जनरेशन क्या होती है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट डू वी लर्न इन अवर फैमिली, हम अपनी फैमिली से क्या सीखते हैं, हम अपनी फैमिली में क्या सीखते हैं, तो इसका आंसर है फर्स्ट है आपका रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सेकेंड इज़ लव फॉर वन अनादर, थर्ड वन इज़ काइंडनेस एंड पोलाइटनेस। आप डायरेक्ट ये थ्री ऑप्शंस लिख सकते हो या फिर आप पहले जो मैंने लिखा हुआ है वो भी लिख सकते हो, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली वी लर्न सो मैनी थिंग्स एंड वैल्यूज ऑफ अवर फैमिली बाय आर फैमिली मेम्बर्स, सम ऑफ देम आर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, लीव अ लव फॉर वन अनादर एंड काइंडनेस एंड पोलाइटनेस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।